भारत की रॉकेट साइंस ने अंतरिक्ष में मचा दिया तहलका। भारतीय रॉकेट ने 300 सेकंड्स में रच दिया कीर्तिमान। जिस हाइपरसोनिक से चीन ने लॉन्च की थी मिसाइल, उससे भी तेज रफ्तार से भारत ने अंतरिक्ष में मचा दिया बवाल। विक्रम एस के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा सीक्रेट सैटेलाइट। दोस्तों, भारत ने हाल ही में ऐसा मिशन अंतरिक्ष में भेजा है जिसको देख अमेरिका से लेकर चीन और रूस तक हिल चुका है। दोस्तों, हालात तो ये हो चुके हैं कि भारत के मिशन से चीन के अंदर बेचैनी उठ चुकी है। पिछले कुछ सालों में भारत अंतरिक्ष जगत में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा है। अपनी पहली उड़ान में मंगल पर फतह पाकर भारत ने अपने महाशक्ति होने का आगाज कर दिया था। वहीं अंतरिक्ष जगत में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता, जिसको मिशन शक्ति के नाम से जाना गया, और उसके बाद चांद पर पानी की खोज, उसके बाद एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड और अंतरिक्ष में भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक, ये सारी सफलताएं भारत को अंतरिक्ष की उभरती हुई महाशक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं। दोस्तों, भारत की इन सभी सफलताओं से दुनिया इस बात से भी हैरान है कि जो रॉकेट अमेरिका ने $67 की कीमत पर भेजा, उसे इसरो ने केवल 7 करोड़ में बनाकर अंतरिक्ष में भेज दिया। मतलब लगभग 60 करोड़ कम कीमत पर बनाकर इसरो ने यह मिशन लॉन्च कर दिया। और दोस्तों, अभी असली खेल शुरू हुआ ही कहां है। फिलहाल अभी PSLV से 1 किलो वजन जितनी सैटेलाइट को ले जाने का खर्च 14 लाख है, तो वहीं इसरो के भारी भरकम रॉकेट Mark 3 से ये खर्च करीब 6 लाख का बन जाता है। ये रेट वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज्यादा है। नासा के एडवांस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक लो अर्थ ऑर्बिट में 1 पाउंड के बलून को ले जाने का खर्च $10,000 यानी कि करीब 8 लाख आता है। और दोस्तों, ये तो पहले की बात है, अब तो इसरो ने कुछ ऐसा किया है जो कि धमाका मचा रहा है। इसरो ने एक साथ ऐसा कुछ किया कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भारत का मुंह ताकती रह गई। इसरो ने अपने सारे प्राइवेट प्लेयर्स को मैदान में उतारकर जो खेल खेला, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक और बड़े मिशन के बारे में जान लीजिए जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। स्पेस इंडस्ट्री में तेजी से धाक जमा रहा है इसरो। अब भारत की रॉकेट साइंस ने मचा दिया भौकाल। इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा सबसे आम है कि इसरो के दमदार रॉकेट की तरफ पूरी दुनिया क्यों भाग रही है, क्यों ब्रिटेन को भी भारत की जरूरत पड़ने लगी है, क्यों अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और खाड़ी के देशों की तमाम कंपनियों को इसरो की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, दुनिया में कई बड़ी स्पेस कंपनियां हैं, लेकिन इसरो का भरोसा और दाम एक अलग ही लेवल पर है। कमर्शियल तौर पर सफल होने के लिए विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट को लगेगा कि उसका सैटेलाइट सही तरीके से अंतरिक्ष में लॉन्च हो जाएगा, तभी वो किसी स्पेस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देगा। और दोस्तों, भारत ने प्रतिस्पर्धा में स्थापित करने के लिए इसी बात पर फोकस किया है। आज भारत थर्ड पार्टी लॉन्चर सर्विस मुहैया कराने पर गर्व करता है। और इतना ही नहीं, इसरो अपनी तकनीक को बढ़ाने के साथ बहुत एडवांस करने में भी आगे बढ़ चुका है। रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने लायक रॉकेट पर जोर दे रहा है, साथ ही लॉन्च ऑन डिमांड यानी कि जरूरत पड़ी और सैटेलाइट लॉन्च। दोस्तों, रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से अभी के मुकाबले खर्च 10 गुना कम हो जाएगा। इसरो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV को तैयार करने की भी योजना बना रहा है। अब दोस्तों, भारत और भी कुछ तूफानी करने के मूड में है और इस काम में अब इसरो ने निजी कंपनियों को भी अपने मिशन में शामिल कर लिया। ठीक उसी तर्ज पर इसरो ने भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ अंतरिक्ष में बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए शुरुआत कर दी है और इसरो के साथ निवेश कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस हिंदुस्तान के नाम को रिकॉर्ड दर्ज करवाने की ओर ले चली है, जो अच्छे अच्छे देश जिनकी बहुत बड़ी स्पेस कंपनियां हैं उनके लिए भी संभव नहीं हो पाया था। रॉकेट साइंस में बहुत आगे तक जा चुके हैं भारत के वैज्ञानिक और उन्होंने इस मिशन को लेकर कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीन से लेकर नासा तक हिल चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज दिया, लेकिन जब तक ये बात नासा को पता चली तो उसके होश उड़ गए और तब तक इसरो अपना काम कर चुका था और तब तक इसरो के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका था। 300 सेकंड्स में अंतरिक्ष में पहुंचा विक्रम रॉकेट। आखिर इस मिशन में ऐसा क्या था जिससे डर गया नासा? क्यों चीन अमेरिका को हैरान परेशान कर रही है विक्रम रॉकेट की तकनीक? दोस्तों, भारत ने पहली बार निजी कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम S सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया और इसके साथ ही भारत इंडियन स्पेस प्रोग्राम में एक अलग ऊंचाई पर पहुंच गया।
देश के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल कर लिया है। श्रीहरिकोटा स्थित हरीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए स्काई रूट के रॉकेट विक्रम एस ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास लिखा। जैसे ही ये रॉकेट लॉन्च हुआ, तब जैसे ही इसने उड़ान भरी, तभी उसने आवाज की गति से 5 गुना अधिक गति पकड़ ली, फिर ये अंतरिक्ष की ओर गया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक की गति से। और दोस्तों, इस गति का परिणाम ये हुआ कि पलक झपकते ही ये रॉकेट जमीन से अंतरिक्ष में अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इतनी स्पीड से रॉकेट लॉन्च होता देख चीन और नासा की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, भारत की ये प्राइवेट स्पेस कंपनी केवल 4 साल पुरानी कंपनी है जिसने विक्रम एस रॉकेट को बनाया, जिसको लॉन्च करने में इसरो ने मदद की। इस रॉकेट पर 2 देशीय और 1 विदेशी पेलोड भी भेजा गया। दोस्तों, 6 मीटर ऊंचा ये रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर लगे हैं ताकि इसकी स्पिन कैपेबिलिटी को संभाला जा सके। ये रॉकेट पूरी तरह कार्बन फाइबर से बना है, जो कि 545 किलोग्राम वजन वाला रॉकेट है। ये रॉकेट अधिकतम 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है, फिर सैटेलाइट लॉन्च करके समुद्र में गिर जाता है। और दोस्तों, ताजुब की बात तो ये है कि ये सारा काम ये सिर्फ 300 सेकंड में करता है। दोस्तों, स्काईरूट इसरो के साथ स्टार्टअप करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। ये सफल परीक्षण कर भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। ये तकनीक कुछ ही देशों के पास है। विक्रम एस में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं। ये क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन के मुकाबले काफी बेहतर हैं और ये 30 से 40 गुना सस्ता भी रहा। फिलहाल स्काईरूट के पास 3 तरह के रॉकेट बनाने की योजना है, वो विक्रम 1, 2 और 3। सस्ती लॉन्चिंग की तरह इसमें ईंधनों का भी बदलाव कर रही है। आम ईंधन की जगह इसमें लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद ली जा रही है। एक तो वो किफायती है और प्रदूषण मुक्त भी है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस रॉकेट को आम रॉकेट के बजाय 24 घंटे में ही रेडी किया जा सकता है और इससे बड़े रॉकेट को 72 घंटे में लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अब दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन और अमेरिका भारत की इसरो से कितना खौफ खा रहे हैं। पहले से ही स्पेस इंडस्ट्री में इसरो ने कम दाम पर अधिक से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए और सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम देकर अपना कब्जा जमाए रखा। और अब हालात ये हो चुके हैं कि जो दुनिया के बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो अपने पर्सनल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उस स्पेस इंडस्ट्री को ढूंढते हैं जिसके सफल परीक्षण में एक एक्यूरेसी लगभग 90 से 95% हो और कीमत भी कम हो। अब दोस्तों, ऐसे में सभी विदेशी कंपनियों को एक ही स्पेस एजेंसी दिखती है और वो है इसरो। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह भारत के इसरो के अलावा भारत की प्राइवेट कंपनियां भी उसी कम दाम में और बेहतर स्पेस रॉकेट लॉन्चर तकनीक पर काम कर रही है, खासकर रीयूजेबल स्पेस रॉकेट लॉन्चर, उसको लेकर चीन और अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां, खासकर SpaceX, काफी खौफ में है। क्योंकि हर इंडस्ट्री में खेल डिमांड सप्लाई और प्राइस और क्वालिटी का है और इस स्पेस इंडस्ट्री में भारत अब नया खिलाड़ी बनकर उभर रहा है।